लोग बता तो यहाँ पहुंच उस रात मैं जिंदा तो रहा पर मेरी जिंदगी खत्म हो गई। ये भी बता दे चौधरी कैसे खत्म हो गई। खुद मेरी वजह से सब। जिंदगी सांप सीढ़ी की तरह है चौधरी, सीढ़ी चढ़ा तो मौज और सांप डसा तो मौत। झेले इस बार 6 जरूर ले आओ चौधरी, नहीं तो जितते गेम हार जाएगा। जिस दिन तू जिंदगी में 6 ले आया ना, समझ जित गया। तो फिर सिखाइए ना सर कि मैं 6 कैसे लाऊं। अच्छा किस तरह? लोगों की आधी जिंदगी ये सोचने में गुजर जाती है कि वे इस दुनिया में करने क्या आए हैं, और आधी उस काम में जो वो करना नहीं चाहते। सर मैं बचपन से ही क्लियर था, आई जस्ट वॉन्टेड टू बी अ गैंगस्टर। हरियाणा में कहवे हैं, सुख बांटे तो दुगना होवे, दुख बांटे तो आधा। पर जे ताने जिंदगी में 6 लाना है ना चौधरी, तो फिर अपनी सांप सीढ़ी की कहानी अब खत्म भी कर दे। सबकी तरह मैं भी स्कूल जाता था सर, फर्क सिर्फ इतना था कि सब मुझ पे हंसते थे। मैं 5 साल का था जब माँ हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। उन 5 सालों में जो मुझे प्यार मिला तो उसके बाद कभी नहीं मिला। यस सर, एसीपी से बात होगी सर। जी पापा, रजत ने कल मारा। उन्होंने कहा कि भाई लोगों के प्रोटेक्शन के बिना वहां कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती सर। ठीक है सर, मैं बात करता हूँ, जल्दी करो। गांधी जी ने कहा है कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, वो नहीं मारेगा। पक्का? पक्का। अरे इसका तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। केतन मेरा बेस्ट फ्रेंड, बिना कहे मेरी हर बात समझ जाता था। जिस उम्र में मुझे शरारतें करनी चाहिए थी, ये ले होमवर्क, मैं रजत से बचने की तरकीबें सोचा करता था। जिंदगी में कुछ अच्छा था तो बस केतन और जिया की दोस्ती। हाय जिया, अच्छी लग रही आज। क्यों, कल नहीं लग रही थी? केतन बोलता मेरे होने वाली वाइफ को ज्यादा मत देखा कर। Let's go to the next page, क्लास के अंदर हो या बाहर, हम हमेशा साथ ही रहा करते थे। पर रजत, एक आइडिया है पर पता नहीं वो चलेगा कि नहीं। चलेगा। मेरे वॉचमैन ने बताया कि डॉक्स पे एक आदमी है जो पैसे लेके सब काम कर देता था। कान देख के तो पूरी फट गई थी सर। मैं सोच रहा था उसके पास जाऊं या ना जाऊं।
मुलाकात में ही उसने मुझे गिरने से बचा लिया। मोटा टोनी, गांजा पी के आया है क्या? I'm sorry. Sorry? अच्छा, लड़ना तो इंग्लिश लग रहा है। इधर क्या कर रहा है? वो मेरी क्लास में एक लड़का है रजत करके, वो मुझे रोज मारता है। अबे पेप्सी पिलाओ इसको लौंडे को। चल बैठ। क्या टोनी भाई, 10,000 कम है। अबे तेरी तो साले शादी पे खर्च हो गया पैसा भाई। टोनी भाई खर्च हो पैसा भाई। पकड़ इसे, ये तेरे शादी का। और सुन प्लीज, थोड़ा अच्छा जिम ज्वाइन कर, थोड़ा वजन घटा, भाभी नीचे दब के मर जाएगी बे। चल निकल। बे एक बात बोल, कल कोई और मारेगा तुझे तो तू क्या करेगा? एक बार पलट के मार के तो देख। वो और मारेगा तो उसकी तो ज्यादा था ना पहले से ही। सीधे जाके मार दूं? काय को बे, बेवजह किसी को फोड़ने का नहीं, पर अगला ना माने तो फिर उसको छोड़ने का नहीं। विकी कहाँ है? मुझे नहीं पता। अरे इसे नहीं पता। यू शट अप। केतन को छोड़ रजत, मेरा प्रोजेक्ट किया। क्यों? जो बात पापा 13 साल में नहीं समझा पाए, टोनी ने 13 सेकंड में समझा दी। उस दिन तो मैं जीत गया सर, पर आज आपको हरा के रहूंगा। एक काम कर, दूसरा भी लगा ले। सोच ले चौधरी, फिर ना कहियो कि मौका नहीं दिया। आप अपने बारे में तो कभी कुछ बताते नहीं। नू समझ ले किस्मत दगा दे गई बिक्की, जीती गेम हार गया, दुश्मन तकड़ा निकला साड़ा। और के बताऊं, हरियाणा से हूं, नाम है लकवा। यो हाथ चा लेना सिवाय इस उंगली के, और यू उंगली काफी है दुश्मन को मात देने के लिए। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इट इज पोएटिक। अब तू अपनी कहानी बता। टोनी पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए सारी एंट्रीज मुझसे करवाता था। फिर उस दिन मैं मुंबई के सबसे पावरफुल आदमी से मिला, कालरा कुच्छर। उसका भी एक हवा था सर, कि वो कब आता है, कहाँ जाता है, ना कोई पूछता है ना कोई जानता है। और हाँ, वो लेफ्ट हैंडेड था और हर बात पे अपना नाम जरूर बोलता था। गुज्जर बोला, धंधा कैसा है टोनी? धंधा बढ़ गया गुज्जर, क्या भी हिस्सा भी बनना चाहिए ना, मांगता है। इस बार तो ठीक है। 27, 27. अगली बार हिस्सा कितना बढ़ना चाहिए गुज्जर डिसाइड करेगा, राइट? थैंक यू। धंधा सबके लिए बड़ा है टोनी, हिस्सा भी सबका बढ़ना चाहिए। बातें भी अच्छी करता है, काउंटिंग भी अच्छी करता है, हैं? जले, लांडा क्यूट है तो वैसे, हैं? हेयर स्टाइल है, प्लीज ये मत क्या करो आप। आप देखा, आप बोला लौंडा अपना नहीं है टोनी,
सर पे बिठाएगा तो मुंह में मुंह देगा। अरे इस छर्रे को पिस्तौल में डाल और ट्रिगर दबा, कारतूस बन के बाहर निकलेगा साले, सबको फोड़ के रख देगा। बात करता है। आप बिना मुंह हिलाए सीटी कैसे बजाते हो? मुझे भी सीखना है। इसे कहते हैं दिखाना कम बजाना ज्यादा। एक बात बताओ, आपको सब मोटा क्यों कहते हैं? क्योंकि अपन का सब कुछ पतला नहीं है रे। फनी फनी वेरी फनी। तो मोटा टोनी तेरी साहब सीढ़ी में सीढ़ी था, ये बात तो मैं समझ गया। अब जे बता कि सांप कौन है? आपने एक बार खलीफा का नाम सुना है? गुज्जर के भाई ने उसकी बहन को एक बार सीटी मारी थी, उसने उसी के घर में घुस के उसे 41 बार चाकू मारा। एक्चुअली सारी प्रॉब्लम ही यहां से शुरू हुई सर, क्योंकि खलीफा अब गुज्जर बनना चाहता था, पर उसके लिए उसे दो लोगों की सख्त जरूरत थी। पहला मोटा टोनी। कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाना पड़ेगा तो जब खलीफा। टोनी अंडरग्राउंड अब हम नहीं, गुज्जर जाएगा। खलीफा ने कभी उसकी जान भी बचाई थी, इसलिए टोनी ने उसका साथ दिया और वो एहसान उतार दिया। और दूसरे को खुद खलीफा इस धंधे में लाया था, रॉकी। रॉकी इसलिए क्योंकि उसे लगता था उसकी शक्ल संजय दत्त से मिलती है, और इसलिए क्योंकि सिर्फ उसे ही लगता था कि उसकी शक्ल संजय दत्त से मिलती है। उसका भी एक हुआ था कि जयपुर में जिस रूपा को उसने आई लव यू बोला था, उसी रूपा के दिल में उसने गोली भी उतार दी। गलती रूपा की थी, उसने मुझसे पलट गया आई लव यू टू नहीं का। फादर ने बोला कि अगर किसी को प्यार करो तो उसको छोड़ देना चाहिए फ्री। वापस आ गई वो तो तुम्हारी। पर ना ढूंढ छिनाल को और गोली मार दे। मेरे को यश चोपड़ा वाला प्यार करना है, प्रेम चोपड़ा वाला नहीं। गुज्जर कहां चुप बैठने वाला था? उसने इन दोनों को मरवाने के लिए अपने बेस्ट शूटर भेजे, लेकिन वो भूल गया कि रॉकी इस साला पीछे से वार करता है। कहते हैं कि रॉकी ने रूपा को गोली मारी। क्यों? रूपा गन देख के भी नहीं आई। इसका गन तो हमने देखा है। क्यों बे ग्रेजुएट, जबान तो बहुत चलती है तेरी, गोली चलाई है कभी? पहली गोली स्पेशल होनी चाहिए रॉकी। रॉकी और मेरी पहले दिन से ही नहीं बनी। ऐसा लगने लगा था जैसे मैं, टोनी और चाहान एक तरफ और रॉकी और उसका मामा सावंत एक तरफ। खलीफा गुज्जर का एरिया छीनने में लग गया, उधर गुज्जर ने पूरा शहर हिला के रख दिया। खलीफा विरार अपना। इस सब के बीच किसी भी तरह मुझे यहां पहुंचना था। Your daddy's house? क्या तुम्हारे बाप का घर है जो तुम ऐसा कर रहे हो? हैं? ये सब मचा के क्या उखाड़ रहे हो? मुझे यहां से यहां पहुंचना है। अरे बेटा वहां पहुंचना था, टोने का मोटा विजन सुन। साला आदमी छोटा हो या बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो उसके हवे से, जो हवा बड़ा होना मांगता है। पर खलीफा का हुआ सच्चा है कि वो गन नहीं रखता है। तुझे एक सीक्रेट बताऊं, टेबल के नीचे टेप से चिपका के रखता है वो गन। क्या बात कर रहे हो? अरे उस दिन देख लिया अपुन यार, दिल दुख गया। बोले तो लाइफ में सारा गेम ही रिस्पेक्ट का है विकी। रिस्पेक्ट मैन, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। अपने धंधे में
जान का भरोसा नहीं होता। सोच ले। सोच लिया। धंधा गोली से नहीं चलता है, दिमाग से चलता है। हाँ? स्वीटार्ट स्वीटार्ट ये क्या है? पिस्तौल है। 36 बार कहा है रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन चुनो, तुम्हें समझ नहीं आती क्या? आर्मी ज्वाइन कर लूँ पापा? कर लो। ठीक है तो सोचो कर ली, और आज सुबह बॉर्डर पे गोली खा के मर गया। बदतमीज, ये सिखाया मैंने तुम्हें? आपने सिखाया कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो दिल को सही लगे ना वो सही है, और जो दिल ना माने वो बुरा। तो गांधी जी गलत है और तुम सही हो। गांधी जी अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाए क्योंकि उन्हें देश आजाद कराना था। आपकी क्या प्रॉब्लम थी पापा? मेरी सिर्फ एक प्रॉब्लम है, बेटा बन के रहो, मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो, और अगर अपने तौर तरीके नहीं बदल सकते तो बाप बदलो। मैंने पापा को बहुत टाइम दिया कि वो मुझे टाइम दे, फिर उस दिन मैंने आखिरी बार पापा की बात मानी और बाप बदल दिया। निकाल दिया तेरा बाप भी ना। पापा मुझे कभी समझ ही नहीं पाए, उन्होंने शायद कभी कोशिश भी नहीं की। पर आपसे सब बातें कर लेता हूं मैं। फिर वक्त आ चुका था कि मेरा हुआ खलीफा के कानों तक पहुंचे। क्या था तेरा हुआ? यही कि विकी ने बिना गोली चलाए कालरा गुज्जर को खत्म कर दिया। सोर्स पॉइंट, गुज्जर का वो खास आदमी जिसे उसके धंधे की हर खबर थी, पर उसकी खबर सिर्फ कारा गुजर को थी। पावर केतन, पावर, पावर इंडस्ट्रियलिस्ट के पास या पॉलिटिशियंस के पास नहीं है, पावर खलीफा के पास है। यार एंबिशन नाम की भी तो कोई चीज होती है, अकाउंटेंसी करनी है तो तू खलीफा के पास करना यार। ओके, मैं जिया से। क्या जिया से? क्या शादी यार? स्कूल से लगा हुआ है तू जिया के पीछे, शादी शादी शादी, क्यों करनी है शादी यार? तो किसी न किसी के सामने तो हर कोई झुकता ही है। बच्चे का नाम सोच लिया? शाका। आ गई शाखा की माँ। ओए मेरा बच्चा। यार जरा ढकलिया कर। तू देख क्यों रहा है? नजर है, पड़ जाती है। वही स्कूल वाली बात है। इश्क दा कीड़ा चांदी नहीं हुण ये पीड़ा, चल बार दे लाइए केड़ा। मेरी गल सुन लो जानी, सब घाड़ दा पी लो पानी, पर ओनली एक जनानी। लव ने साला बैंड बजाया, कर दिता चीरो आराम, दिल दे लाया डंक है गहरा, लिपा दे हुण इको ही नाम। नच ले तू पग घुंगरू बा, चक दुपट्टे ते कर लो कांड। नचल तू पग घुंगरू बा,
चक तो फुट कर लो कांड। हर दिल 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 लगी जिसने भी की उसकी लगी, हर आह आह आशिकी जिसने भी की उसकी बजी। ओ जैसा कोई ऐस तरह के कर दो उसका काम तमाम, जो सानू सलूट न टोके निश्चिया दा उन्नू इनाम। मचो तो बग घुंगरू बाम तेरी आइटम मेरे नाम, मचो तो बग घुंगरू बाम यार खाओ तेरे दे दे जान। मचो तो बग घुंगरू बाम चक दो फट्टे ते कर लो कांड। घर छोड़ दियो उसे, घर पहुंच के फोन कर देना। बहुत पी लिया यार। माय हेड इज स्पिनिंग। चल चल चल, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। सर पानी के नीचे रख ले, रिलैक्स हो जाएगी। आज के बाद हम जिया के बारे में बात नहीं करेंगे, कभी नहीं। आदमी दुनिया भर की नजरों में गिर जाए, बस अपनी नजर में नहीं गिरना चाहिए। और कुछ भी हो जाता, बस केतन का दिल नहीं टूटना चाहिए था।
मने तो इतना पता है कि मरते हुए को कभी रोकने का नहीं, दुश्मन गलती करे तो टोकने का नहीं, और यार के आइटम को कभी छूने का नहीं बिक्की। बाकी के है, जिंदगी थोड़ी बढ़ जाए। पर नू बता, इस कहानी का तेरे हुए से के लेना देना है? अब अगर उस दिन हम क्लब ना जाते, अगर नशे में ना होते, अगर मैं जिया को छोड़ने नहीं जाता, अगर इनमें से एक भी चीज जरा सी भी हटकी हुई होती, तो ना केतन वहां से भागता, ना मैं उसके पीछे, ना वो एक्सीडेंट होता, और ना मुझे गुज्जर की गाड़ी दिखती। पर ये सब इसी सीक्वेंस में हुआ सर, और मुझे सोर्स पॉइंट मिल गया, गुज्जर का राइट हैंड पारिक। बस किसी तरह उसका फोन टैप कर पाता सर, तो मेरा भी हवा बन जाता। तो तने सब कुछ पारिक ने बताया? हाँ, पर पारिक तक पहुंचने की कहानी जरा टेढ़ी है सर। टोनी के कहने पे मैं पार्टियों में ड्रग सप्लाई करने लगा, पर मुझे उसे कुछ ऐसा कर दिखाना था कि वो मुझे खलीफा के सामने खड़ा कर सके। क्वालिटी ठीक है? सेहत का इतना ही ख्याल है चैंपियन, तो दूध भी, चरस क्यों पीता? Nice dress. तुम भी ले लो, अच्छी लगेगी तुम पे। मेरे पास तुम्हारे जैसा फिगर नहीं है। तो तुम मुझे ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके हो। तुम सबसे अलग दिखी तो चला आया। मतलब अगर मैं जरा सी कम खूबसूरत होती तो नहीं आते तुम ना? तुम जरा सी कम खूबसूरत होती तो भी बहुत खूबसूरत होती। What do you do? मैं टाटा में एक प्रोजेक्ट हेड हूं। झूठ बोलते हो, पकड़े जाते हो। सच बोला तो फिर तुम शायद मिलोगी नहीं। झूठ बोला तो बिल्कुल भी नहीं। I'm a gangster. मैंने बोला था ना। सुनो, अगले फ्राइडे तक जिंदा रहे, तो वी कैन गो फॉर अ ड्रिंक और समथिंग इफ यू वांट। यू नो, आई जस्ट कांट टेक माय आइज ऑफ यू। रियली? 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 Let's see.
मुझे मार क्यों रहे हैं? आई एम थोड़ा सा शरीफ थोड़ा बेईमान इंस्पेक्टर खान। हाथ हटा, अरे हटा हाथ। रात भर पार्टियों में ड्रग्स बेचना नहीं भूला, मगर मेरा हिस्सा देना भूल गया तू। अब तेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं, अंदर जेल में सड़ या खुदा के घर। आपका घर किधर है? LOL, LOL, मेरी बेटी ने सिखाया मुझे। क्यों, एनकाउंटर कराने का प्लान है क्या? अबे, गांधी के देश में पैदा हुआ है तो गांधी का प्रसाद खाना मिल बांट कर। गांधी बोला हिंसा नहीं करने का, कोई माना? पिस्तौल दिखा के बोलता ना, साले सब मान जाते। बैंड्रा में सी फेसिंग फ्लैट चाहिए। मुझे लगता है एक ना एक दिन तू भी मुझे जरूर कुछ ना कुछ सिखाएगा, क्यों नायक? सर, DCP ऑफिस से एक आदमी का फोन टैप कराने का परमिशन लेटर चाहिए। मैं लेटर निकालने का बंदोबस्त करता हूं, तू फ्लैट ढूंढना शुरू कर दे। और मेहनत और लगन होनी चाहिए, लाइन कोई भी बुरी नहीं। मिलते हैं। डी ने चार्ली भेज दी, सारी डिटेल काली डायरी में डाल। एयरपोर्ट वाली जमीन हथियाली है और टेक नाम कर दी है। कुचर के स्टॉक्स, बेटिंग, ड्रग्स और रियल एस्टेट के हर एजेंट का एक कोड नेम था, मुझे वो नाम चाहिए थे। केमिकल से शेयर उठा ले, मंत्री बोला ऊपर जाएगा। और नहीं गया तो मंत्री ऊपर जाएगा। 26 दिनों नहीं सुनता रहा, मैं समझ गया कुचर कैश आउट कर रहा था, मतलब अपने काले धंधे का सारा पैसा वाइट कर रहा था। अब कुछ तो बड़ा होने जा रहा था, मुझे इंतजार था तो बस उसे एक फोन कॉल का जिसपे मेरा पूरा हुआ टिका था। हेलो। हाय गैंगस्टर, आज फ्राइडे है और आज तुम फिर जिंदा हो। मिलना है? ठीक है, बोल कब मिलना है? प्लान क्या है? मिलके बात करते। अरे ओके ओके बाय। हेलो, ओके बाय। केतन, केतन का फोन था। ब्यूटीफुल है। हाँ है। अरे सुना है तेरा फेवरेट गाना स्टारी स्टारी नाइट है चौहान? सुना ना, मामला रोमांटिक हो गया। स्टारी स्टारी नाइट, स्टारी स्टारी नाइट। तू बुरा आदमी है। बुरा हूँ ये अच्छा पता नहीं यार, तुझे क्या लगता है? गन लेके घूमता है, बुरा ही है। तो फिर तू मेरे साथ क्या कर रही है? हम दोनों की कहानी काफी सेम सेम है। तू भी गैंगस्टर है? नहीं, पर कहानी काफी सेम है। मॉम डैड की कभी बनी नहीं, रोज लड़ाई, तो मुझे लंदन हॉस्टल भेज दिया। बचपन डर में निकल गया, टीन्स डिप्रेशन में। आई हैड नथिंग, माय म्यूजिक सेव्ड मी, वरना आई स्टिल हैव नथिंग विक्की। यू हैव मी मीरा। दिल मेरे भूख लगी
अपने आँखों से फूट हुए गुब्बारा, हुए गुब्बारा, मैं उड़ता जा कुछ मिलाकर तकरीबन 9,000 करोड़। हाँ, सारी डिटेल काली डायरी में डाल। फिर अचानक उस दिन वो फोन आया, कुछ चोर कैश आउट कर रहा था, पर उससे पहले मुझे वो काली डायरी चाहिए थी। काम तो खतरनाक था, पर मेरा हवा भी बनाना जरूरी था। ₹8,500 करोड़ कालरा गुज्जर के नाम। बाकी गुज्जर बोला तेरे नाम। नाम कोर्ट में बदलने होंगे, लेकिन कोर्ट 3 दिन बाद खुलेंगे। बस सिग्नेचर चाहिए, उसके बाद सब सेट। कब आएंगे वो? जज साहब पूछ रहे थे। कब आता है कब जाता है ना कोई पूछता है ना कोई जानता है। वो देख,
अनफॉर्चुनेट है यार। क्या अनफॉर्चुनेट है? हाथ में थी मेरी काली डायरी। तेरी किस्मत खराब निकली यार, और कुछ नहीं। कब तक खराब निकलेगी? मेरे पास एक और प्लान है, आप मुझे बस एक बार खलीफा से मिलाओगे प्लीज। मतलब तू खलीफा से मिला ही नहीं? कहानी उस दिन लग जाती तो तेरी कहानी वही खत्म थी चौधरी। बताओ। फिर उस दिन मैं टूनी की बर्थडे पार्टी पे खलीफा से पहली बार मिला। पर खलीफा तो आ गया। हैप्पी बर्थडे टोनी। थैंक यू खलीफा, थैंक यू। तोहफा लाया हूं तेरे लिए मेरी जान। अच्छा, खेरवाड़ी अपना। हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे टोनी। मिस मैरी, मिसेस डेरी, व्हिच टेकिंग? ऐसे भी आंटी है, चर्च की घंटी और सेक्सी आंटी, छोड़ने का नहीं, साला सजा डालने का। टोनी साला हट, हैंडसम लग रहा टोनी तू आज। अरे न जाने जीसस ने क्यों मुझे इतना सारा हुस्न दे दिया। वैसे इंग्लिश तो तू भी लग रहा है। अब लग नहीं रहा बेटे, इंग्लिश तो मैं हूँ। तो चल चल चल, तुझे तेरे जैसे एक इंग्लिश लौंडे से मिलवाता हूँ जो तेरे को इस शहर का बाप बना देगा साला एक ही दिन में। क्या? अब मैंने तो सुना था एक काम से लौंडिया कर सकती है, ये किस तरह की फैक्ट्री खोल रखी है इसने? क्या बोल रहा है, गुज्जर को एक ही दिन में खत्म कर देगा मेरा छर्रा, वो भी सिर्फ अपने दिमाग से। सुन ले, मतलब इस कल के लौंडे की सुनूं, और ये सब जो इतने सालों से यहाँ रगड़ रहे हैं इसे इनके सर पे बिठा दूं क्योंकि ये तेरा छर्रा है? इस छर्रे को पिस्तौल में डाल, ट्रिगर दबा, कारतूस बन के बाहर निकलेगा, सबको फोड़ के रख देगा, समझे? तू समझा ही नहीं टोनी, तू अभी तक नहीं समझा। मंत्री का बेटा मंत्री राजनीति में बनता, और वैसे भी अपने धंधे में आए हर दूसरे छर्रे को लगता कि वो साला कारतूस ही है। हाँ, और हो तो? अबे हो तो हो ना, खलीफा भरोसे पे काम करता, इससे क्या 3-4 साल काम करे फिर सुनेंगे, इसकी भी सुनेंगे। टोनी प्रॉमिस कर चुका है खलीफा। मुझसे पूछ के किया था। अरे तो मिले ना, क्या हो गया? नहीं मिलता। अब तुझे मिलना तो पड़ेगा डार्लिंग। अब तो मैं किसी के बाप के कहे से ना मिलूं, और अगली बार औकात से बाहर गया तो गया तू। हटाई से तू नहीं बोलेगा, अपन हाथ से आप है, समझे क्या? आप बोल वरना साले सबके सामने उड़ा दूंगा तेरे को इधर ही, अभी बोल। साले तू पिया हुआ ये भरी हुई, हटा ले इसे बेटा। सॉरी बोल अभी। नहीं बोलता चल जा। ए टोनी हट। देख तेरे को दे रहा हूं लास्ट चांस। नहीं बोलता, चला चला गोली चला। साले चीटर है तू, तुझे पता है साले मैं तेरे पे गोली नहीं चलाऊंगा, इसलिए कर रहा है तू, इसलिए कर रहा है तू। टोनी माय डार्लिंग छोड़ ना, अपन एक एक और एक पैक चढ़ा दें, उसके बाद फिर से ट्राई करते हैं। ओके नो प्रॉब्लम। खलीफा आई सॉरी, चल okay. चलो चलो आंटी को फोन लगाएंगे अपन। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। क्यों भाई, ऐसा कौन सा प्लान है जो हमें नहीं बता सकते? धंधे की बात है, खलीफा को बताऊंगा। ठीक है बेटा, तू लौंडियाबाजी कर, क्योंकि धंधा तो तेरे बस की बात है नहीं, और जो इतना बोलने के बाद तू यहाँ आराम से बैठा है ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि टोनी तेरा बाप यहाँ पर है, वरना मैं तेरे हलक में हाथ डालता और तू राख बिहारी में अपना प्लान गाकर सुनाता, समझा? एक मिनट। अरे ये आग दिखा रहा है। अबे ओ बिल्डर, किसी गलत फहमी में मत रहियो, ये तेरे डोले छोले ना सब गोवंडी में घुसा दूंगा, समझा? अबे तू क्या करेगा बे, क्या हो रहा है यार? ओए विक्की, क्या हो गया यार? अरे भाई यार अपना, चल बता दे अपना प्लान। खलीफा को पता नहीं चलना चाहिए कि ये विक्की का प्लान है,
मैं कहता हूँ मार दे उसे। मामा प्लान विकी का है तो रॉकी उसे एक चांस देगा, पर क्या करेगा ये तो रॉकी को भी नहीं पता। आपकी वजह से मुझे रॉकी को अपना प्लान बताना पड़ा। और उस दिन अगर आपने खलीफा के सर पे पिस्तौल रखी थी तो चलाई क्यों नहीं? खलीफा होगा अपने घर पे यार, पर आपसे कैसे बात कर रहा था? अरे खलीफा को मार के कोई खलीफा नहीं बन जाएगा। एक गोली मैं चलाता, 10 गोली वो भी चलाते। गैंग का लीडर बनना ना तो सबसे पहले गैंग के मेंबर्स की रिस्पेक्ट मांगता है। तो वो तो है ना आपके पास, सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। पर तेरे को तो कमाना पड़ेगा ना। लेकिन एक बात है, सारी तेरी एक काली डायरी की आइडिया निकल पड़ी ना तो समाज की गैंग मेंबर्स की रिस्पेक्ट मिल जाएगी और तू उस कुर्सी के लायक भी हो जाएगा। और तू उस कुर्सी पे बैठ गया ना विक्की, तब उनको लगेगा साला अबू नहीं बैठ गया उसके ऊपर यार। सीरियसली तू इतना ज्यादा ये जैकेट तू रख ले। अरे आपकी जैकेट है, आप इसे पहनो और चर्च जाओ। अरे यार पहन लेना यार, अच्छा कलर है, सूट करेगा तुझे। मुझे तो आपसे ज्यादा सूट करेगा ही, सब कुछ ही सूट करता है, पर आप पहनो। अरे यार बोल रहा हूँ उसे पहनना, बस पहन। पहन रहा हूँ। ओ चलो चल चलते हैं। तुमको तो भगवान से प्रॉब्लम है ना? प्रॉब्लम है राइट? चल टोनी, तेरे ग्रेजुएट का प्लान पूरा करने का टाइम आ गया है। एक बार फिर से देख लें। जैसे ही सिक्योरिटी बाहर निकलेगी मैं और टोनी गाड़ी लेके जाएंगे। अभी जोर से ब्रेक मारना वरना उनका ध्यान तेरी तरफ कैसे जाएगा? अब ठीक था? हाँ, अब उनका ध्यान तुझसे हटेगा नहीं और हमारा निशाना चुकेगा नहीं। कितनी बार तेरे को बोला है यार, काम के वक्त स्टाइल मत मारा करना यार। सॉरी। अब ठीक था? हाँ खलीफा बोल। रॉकी का प्लान पूरा हो गया? रॉकी का प्लान? तू बहुत बड़ा है, मानता है? रॉकी प्लान मेरा था रॉकी, मानता है? तूने साला हजा कर लिया, मानता है? अब खलीफा से फोन पे बात करने का है, मानता है? पहले पारे को निपटा दे उसके बाद। पहले खलीफा से बात करने का, वरना साले तुझे निपटा दूंगा दरी। फोन क्यों काटा है? कहाँ है पारेक? रॉकी के गन पॉइंट पे। और रॉकी? मेरे गन पॉइंट पे है साला। ले बात कर। अबे साउंड दे। ब्रेकिंग न्यूज, काली डायरी का आइडिया मेरा नहीं, हमारे प्यारे विकी का था। कुछ मत कहिए उसे, काम पूरा कर। हाँ मुबारक हो टोनी। यार तू जीसस में मानता है? ऑफ कोर्स यार। तो जा मिल। अब तू किस में मानता है? किस में मानता है? टोनी को मार दिया। बहुत सोच समझ के जवाब देना। खलीफा में स्पेलिंग बोल। के एच ए
लेने पे खलीफा गला जवाब के एच ए एल ई एफ ए खलीफा तेरा बाप समझ में आ गया कि उस दिन तेरी जिंदगी कैसे खत्म हो गई, पर यूं ना समझा कि तू यहां पहुंचा किस तरह। इस एक काली डायरी की वजह से सर, नवाब खान को सी फेसिंग फ्लैट और गुजर का थोड़ा सा माल डिक्लेयर करने पे तरक्की मिल गई, वो एसी भी बन गया। आप लोगों से रिक्वेस्ट, पर पारिक के बनने से शेयर बाजार 2000 पॉइंट्स गिरा। कमिश्नर को उसका कातिल चाहिए था, गुजर साफ हो गया, वो अंडरग्राउंड चला गया। रॉकी की एक गोली ने मेरी पूरी जिंदगी खत्म कर दी। इस काली डायरी ने सब कुछ पलट के रख दिया। 9000 करोड़ और इस शहर के सबसे पावरफुल आदमी का नाम इकबाल खलीफा था, और अब केतन उसका अकाउंटेंट। विकी, मुझे डर लगने लगा है, प्लीज ये सब छोड़ दो हमारे लिए। सुना तो मुझसे मिलना चाह रहा था, तो मैं खुद ही चला आया। विकी, ना कुछ पूछो ना कुछ कहो। विकी, कौन है ये? ओके, प्लीज जाओ, प्लीज। नो मीरा, प्लीज समझो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। मीरा जाओ यहां से प्लीज। विकी, तुम्हें मैं चाहिए हूं या ये जिंदगी? मीरा जाओ यहां से। जान ले सकता है? आपकी भी? पक्का? क्योंकि अगर तू झूठ बोला गोली मार दूंगा, झूठ सोचा गोली मार दूंगा, मुझे लगा तूने झूठ बोला गोली मार दूंगा, क्या समझा? यही कि अगर मैं नहीं समझा तो भी आप मुझे गोली मार दोगे। फिर भी एक बात समझना चाहता हूं मैं, कि रॉकी ने टोनी को गोली क्यों मारी? मैंने कहा था टोनी को मारने का ऑर्डर मेरा था, कभी इसके गन रख दी कभी उसके, ऐसे थोड़ी ना चलता है, धंधा है, इज्जत पे चलता है। पर अब तेरा क्या करूं, एक भरी है एक खाली, सर पे लगा ट्रिगर दबा। तू बोला था ना जान ले सकता, देखा?
आइडिया अच्छा था तेरा, आगे भी देते रहना। खरे काम की कद्र करता खलीफा। रॉकी का एरिया तेरा, अब छुट्टी, 4 साल का हॉलिडे, आराम का जिम्मा मेरा। पारिक का खून अपने सर ले ले। पारिक का नहीं, खलीफा ने टोनी का खून मेरे सर डाल दिया। अगर मैं काली डेरी के पीछे नहीं भागता, अगर उस दिन मैं खलीफा से नहीं मिलता, अगर टोनी खलीफा को निशाने पे नहीं लेता, अगर इसमें से कोई भी चीज जरा सी भी हटकी हुई होती तो टोनी नहीं मरता। अच्छा, तो इस तरह तू यहां पहुंचा। हाँ, मैं कल छूट रहा हूं, तू 3 महीने बाद बाहर आके एक बार मिल लियो। बाकी अपना ख्याल रखियो चौधरी। कैसे हैं? अच्छे लग रहे हैं सर। रह कैसा हूँ? अच्छा हूँ। छोड़, एक बात बता, तेरने अपनी जिंदगी चांस पर कैसे छोड़ दी? मैं समझा नहीं सर। रह उस दिन पिस्तौल में गोली होती तो? दोनों पिस्तौलें खाली थी सर, उनका वजन सेम था। जय भरी होती तब भी दोनों का वजन सेम होता ना? नहीं सर, खलीफा इतना बड़ा चांस नहीं ले सकता था। पिस्तौल मेरे हाथ में थी और गोली उस पर भी चल सकती थी, वो मेरा टेस्ट ले रहा था। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चले है, पर तेरा दिमाग चाचा चौधरी से भी ज्यादा तेज चले है चौधरी। पर एक बात आज तक समझ में नहीं आई, खलीफा ने तुझे जिंदा छोड़ा क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जो आदमी एक दिन में पूरा शहर उसके हाथों में धर दे, वो कल पूरी दुनिया उसके कदमों में रख देगा। तो फिर मैं पूरी दुनिया उसके कदमों में रख दूंगा सर। तेरा इरादा क्या है? इरादा साफ है सर, टोनी का सपना मैं छोड़ सकता नहीं और बदला मैं छोड़ूंगा नहीं। गौर से सोचूं तो दोनों के लिए काम तो मुझे एक ही करना है। तो फिर पहली सीढ़ी चढ़ने का टेम आ गया चौधरी। चलता हूँ सर। काम करने का मूड है या फिल्मों में हीरो बना दूं तुझे? हीरो तो तू हो गया रॉकी। पैसा आदमी का स्टाइल बदल देता है। पर जुबान नहीं, रॉकी का पुराना एरिया तेरा। मुझे रॉकी का पुराना एरिया नहीं चाहिए, बस शहर के बाहर 100 एकड़ जमीन चाहिए। मुझे भी एक ताजमहल चाहिए। मुमताज महल देता हूँ, रुक तो जा, इसे तो सुन ले। आइडिया क्या है? कचरा। क्या? यूरोपियन कंट्रीज अपनी जमीन में इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट गाड़ने नहीं देती हैं। आज से वो काम हम भी करें। ये कैसा धंधा हुआ?
इटली के माफिया का सबसे बड़ा धंधा टॉक्सिक वेस्ट ही है। तुझे कैसे पता मुनाफा होगा? ये बेजान दारू वाला ना, इसे तो पता है। मुनाफा होगा, मैं आपकी जबान पर झील चला गया, आप मेरे यकीन पे इतना तो कर ही सकते हैं। पांच एकड़ पहले करके देखा, फिर सौ सोचेंगे। खलीफा ये आप क्या कह रहे हैं? भोसले याद है, वो शोलापुर का एमपी? हाँ, ये शराबा बुनी के साथ पिया करते थे। दो साल पहले भोसले को एक ट्रक ने कुचल के मार दिया, वो ट्रक आज भी चलता है विकी। चीयर्स। क्या खड्डा वड्डा खोद रहा है ये? यूरोपियन देश का टॉक्सिक वेस्ट अगर अपने देश में गाड़ेंगे ना, तो 10 साल में जो अपने धंधे में कमाते हैं, यहाँ एक साल में कमा लेंगे। ओ, तो खलीफा के लिए मुनाफा कमाने निकला ही है ये? टॉनी का विकी नहीं है क्या? मतलब टॉनी को मारा हरामजादों ने, सीधा जाके गोली क्यों नहीं मार देता उनको? ये भी यही चाहता है, लेकिन उसके बाद गैंग क्या करेगा? गैंग मार देगा इसे। टोनी क्या चाहता था? टोनी इसे कुर्सी पर बैठा देखना चाहता था। कैसे? अरे कैसे क्या, पहले गैंग को अपनी तरफ करे, फिर रॉकी और खलीफा को गोली मारे, और फिर कुर्सी पर बैठे। यही तो कर रहा है। आशिकी तू ही आवारगी, तू आज अजनबी तू ही जुदा, दो गज का रास्ता सदियों का फासला, दर पे तेरे खड़ा मैं लापता, हर लम्हे सौ सवाल सौ में तेरा ख्याल, तू मेरी जिंदगी तू ही जुदा, तू ही है आशिकी तू ही आवारगी, तू आज अजनबी तू ही जुदा। दिल ने कहा था ना तड़पेगा, फिर आज दिल धड़के क्यों जाए, ख्वाबों ने तय किया था खोना, फिर आज क्यों पलट वो आए। तुझ में लिखा हूँ मैं, तुझसे जुड़ा हूँ मैं, तू मेरा रोग है तू ही दवा, तू ही है आशिकी तू ही आवारगी, तू आज अजनबी तू ही जुदा। प्रॉफिट उतना ही है, तीन बार चेक कर लिया है। तीन बार चेक कर लिया, कितने नंबर आते तेरे कॉलेज में? डिस्टिंक्शन। केतन विकी को 50 लाख दे दे। और 100 एकड़ का इंतजाम कर, आज से उस जहां का बॉस विकी होगा। आधी है रह गुजर, आधा है आसमां, आधी है मंजिल आधा जहां, तेरा हूं जान ले रूह मुझसे बांध ले, बाहों में थाम ले कर दे जिंदा, हर शय में तू चप्पे चप्पे में तू, ख्वाहिश में तू किसे किसे में तू, हर जिद में तू फिक्रों जिक्रों में तू। सॉरी आज थोड़ा लेट हो गया। वो गाड़ी क्यों खड़े हो यहाँ? बात करने की हिम्मत नहीं हो रही और दूर रहा नहीं जा रहा। जेल से कब निकले? कुछ ही दिनों में। I'm married. J.
झूठ बोलती हो पकड़ी जाती हो। देखिए यहां दोबारा मत आना। आई लव यू मीरा। अगर प्यार होता ना तो ये सब छोड़ दिया होता। ये सब छोड़ दिया? तू ही है आशिकी, तू ही आवारगी, तू आज अजनबी, तू ही जुदा। दो गज का रास्ता, सदियों का फासला, दर पे तेरे खड़ा मैं लापता। सौंधी सी बातें हैं, राहत से नाते हैं, रिश्ता सुकून से फिर है जुड़ा। फिर मीठी धूप है, फिर तेरी छाँव है, अपनी हर सांस तुझ पे दूँ लूटा। रग रग में तू, जर्रे जर्रे में तू, नस नस में तू, कतरे कतरे में तू, तुझ में हूँ मैं, मुझ में बसी है तू। क्यों भैया ग्रेजुएट, क्या करना है? इनका लीडर कौन है? वो है कितने चाहिए? आम तौर पे मैं 10 लाख लेता हूँ, तेरे लिए फ्री। बस एक छोटा सा फेवर कर दे यार, ये सुधीर है, मेरा पर्सनल ड्राइवर है, इससे एक थप्पड़ खा ले। देख बात तो ठीक कर रहा है, खा ले। रैली पे जो हुआ उसका बहुत अफसोस है मुझे खान साहब। सलीम चाचा का भी कर ले। अब कैसे खा लिया थप्पड़? खान की बेटी मर गई, आज से तू रॉकी के अंडर काम करेगा, समझा? तेरे पास कोई बैंड्रा में प्रॉपर्टी है जो तुझे रिश्वत में मिली? यस सर। ये तुम्हारे सस्पेंशन के ऑर्डर्स। इंक्वायरी पूरी हो जाने तक मैं मुजरिम नहीं हूं सर। यू हैव टू सपोर्ट मी। आई कांट। तो फिर आपने रिश्वत में क्या क्या लिया है उसकी भी पूरी लिस्ट है मेरे पास।
वो मैं मीडिया में दे दूंगा सर। बेईमानी पे प्रमोशन और ईमानदारी पे सस्पेंशन, ऐसा थोड़ी चलता है सर। करेंसी प्लेट्स। जितना बोलोगे उससे दुगना दूंगा खान साहब। बेटी नहीं रही खलीफा, अब तनख्वाह पूरे महीने चल जाती है। सर खलीफा का पता चल गया। जिस दिन मुझे पता चला कि टॉक्सिक प्लांट पे गोली किसने चलाई थी, वो इंसान सिर्फ एक बात सोचेगा कि खुदा के खिलाफ हो जाता तो ठीक था, खलीफा के खिलाफ नहीं होना चाहिए था। आमिरा, मैंने अभी अभी टीवी पे टॉक्सिक प्लांट की न्यूज देखी। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। आज हम मिल रहे हैं ना? आज नहीं मीरा, आज मैं बिजी हूँ। कल मिल सकते हैं प्लीज? ओके, टेक केयर, बाय। रैली पे गोली साले सावंत नहीं चलाई है। अब इससे पहले कि खान सब कुछ खत्म कर दे, तू खलीफा से बोल मार्केट से सारा पैसा उठा के कैश आउट कर दे। खलीफा मान जाएगा? मैं कैश आउट के खिलाफ बोलूंगा तो जरूर मान जाएगा। इससे पहले कि नवाब खान सब कुछ ले जाए और हम सब कुछ खो दें, जो बच सकता है उसको कैश आउट करा लेते हैं। ये सही नहीं है, छोटे मेंबर सब खत्म हो जाएंगे। तुझसे पूछा कैश आउट करके तन जी। ड्राइवर गाड़ी निकाल, वसूली पे जाना है। मार दे साले विक्की को। सर पे मारूं या दिल पे? सर पर। आसानी से नहीं मर जाएगा। दिल पे मारूं तो तड़प के मरेगा। नहीं? कितने? 20। ना बुड्ढा, ना ना ना। और क्या चाहते हैं आप? इंडिया की महिला टीम वर्ल्ड कप जीत जाए। 25 चाहता है रॉकी। लेट फीच। चल आधा घंटा है तेरे पास, फोन लगा। टाइम स्टार्ट नाउ। बेटा सुनो, 5 लाख रुपए लेके जल्दी आओ सिटी मॉल के पार्किंग लॉट में। सवाल मत करो, यू हैव 30 मिनट्स, जल्दी आओ। गुड बाय। ए बुड्ढा, अंताक्षरी खेलेगा? आज आई बहार, दिल है बेकरार, ओ मेरे राजकुमार, तेरे बिना ठटर 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 ठटर। विकी, इसके सर पे कनाडा। क्या? 5 मिनट बचे हैं अभी रुकी। जितना बोला उतना कर। लेकिन लेकिन पैसा आ रहा है ना?
हाथ तोड़ देता, पांव तोड़ देता, दिल नहीं तोड़ना चाहिए था रॉकी। पहले दिन मिला था तो बोल दिया था कि मैं गैंगस्टर हूं, फिर एक रीजन दो मुझे छोड़ने का। झूठ बोला तुमने। झूठ बोला था तुमसे क्योंकि तुमसे प्यार करता हूं, डैमिट। पिछली बार आए थे तो यही बोला था ना तुमने, and I trusted you। मुझे खोने का इतना ही डर होता ना तो ये सब छोड़ देते। छोड़ सकता, छोड़ सकता तो सब कुछ छोड़ देता मीरा, लेकिन कुछ चीजें छोड़ी नहीं जाती है। I don't love you anymore। झूठ, झूठ। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। Yeah, I'm scared of you। डर लगने लगा है मुझे तुमसे। You don't have a heart। You're just a gangster। जिससे प्यार करता हूँ मुझे छोड़ के चला जाता है। नो, बोलो कि तुम्हें मुझे डर नहीं लगता। बोलो मुझे तुमसे डर नहीं लगता। बोलो कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। गलत नहीं किया। बोलो यू लव मी। बोलो कि यू लव मी मीरा। I love you। झूठ बोलना पड़ता है ना मीरा। उन्हें छोड़ा तो वो मुझे मार देंगे। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। हर फ्राइडे जिंदा रहने की फिक्र होती थी मुझे, आज से वो फिक्र खत्म। दिल तो तेरा टूटा है पर इरादे तो नहीं ना। मारे हरियाणे में कहवे हैं कि चोट को अपनी ताकत बना, कमजोरी नहीं। फिर अगली सीढ़ी चढ़ने का टाइम आ गया है बिक्की, ईरान जाने की तैयारी कर। कैश आउट के सारे पैसे दे दे केतन। खलीफा को पता चल गया तो तू मारा जाएगा। ठीक है, ले जा पैसे। पहले तेहरान पहुंच, फिर हवाले के पैसे ले। हिरन शिपमेंट का इंतजाम कर। माल डॉल्स में लाना पड़ेगा चौधरी, फिर अफगानिस्तान से तेहरान। तेरी याद में डूबे डूबे दिल है दुआ, जिंदा है गम। टूटे टूटे टूटे। You don't have a heart, he's just a gangster।
डेजर्ट ऑफ डेथ, अफगानिस्तान और ईरान के बीच मौत का रेगिस्तान। बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि यहां से कोई भी जिंदा ना लौटा। सितारा बन गए किस्मत स्याही से रंग गए, दिन का सितारा बन गए किस्मत स्याही से रंग गए, इश्क की आग ने दागा चल लिया रोज जुर जुर हम, खुद से हुए दूर दूर हम, प्यार में हार गए हार गए। वरना रॉकी तुझे मार डालेगा। नहीं 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 नहीं, रॉकी फिर विकी को मार देगा, बता दे केतन, वरना रॉकी तुझे ही उड़ा देगा। काम की बात पूछ रॉकी। भाई मुझे नहीं मालूम। आप ग्रेजुएट मिल के केला कटा रहे हो हमारा, और कहां है पैसे? पैसे हवाले से ट्रांसफर किए थे उसने। कहां कहां? मुझे नहीं मालूम रॉकी भाई। नहीं बताएगा? लास्ट चांस, नहीं बताएगा? रॉकी पिस्तौल अंदर। क्या प्रॉब्लम है? अकाउंटेंट कोई और रख लेंगे। तू बता रहा है कि मैं मुझे नहीं बोलूं, मैं सच बोल रहा हूं। तू नहीं बताएगा? नहीं बोलूं। मैं डाल दूंगा बोलो भाई। रॉकी पिस्तौल अंदर। सच बोल रहा हूं रॉकी भाई। क्या विकी ने अकेले किया है सब? बेहोश हो गया साला। सारा माल ले आया, सब कुछ ठीक किया मैंने सर, और अब चौहान बता रहा है कि खलीफा मुझे हर जगह ढूंढ रहा है। तो शुक्र है कि केतन ठीक है। मारे हरियाणा में कहे हैं कि दुश्मन जब बाहर ढूंढ रहा हो तो उसके घर में घुस जाना चाहिए। खलीफा कम से कम ये तो पूछेगा, हाउ आर यू? ठीक है सर, समझ गया। और सुन, कमिश्नर को सही वक्त पर फोन कर लियो। सारे पैसे लेके गया था, पांच गुना करके लाया हूं। 500 किलो 100% प्योर हेरोइन। आने दे। बता के क्यों नहीं गया था? बता के तो तब जाता जब मुझे पता होता कि मैं जिंदा वापस आऊंगा।
बात वो नहीं है, बात यह है कि मैंने कहा था झूठ बोला तो गोली मार दूंगा। अगर झूठ बोलने पे आप गोली मारने लगे तो फिर आप अकेले रह जाओगे खलीफा। नाम ले, वो भी जाएगा। तुझे डर तो नहीं लगेगा रॉकी? रॉकी की डिक्शनरी में डर नाम का वर्ड ही नहीं है। तो फिर तुझे डिक्शनरी देख के लेनी चाहिए थी। कमिश्नर साहब, विक्की। हाँ विक्की, बोलो। जी वो खलीफा जाना चाहता था कि उस दिन रैली में गोली किसने चलाई थी? सावन ने। हाथ तोड़ देता, पांव तोड़ देता, दिल नहीं तोड़ना चाहिए था रॉकी। अब खलीफा की आवाज आएगी। रॉकी, सावंत को गोली मार। चल मार गोली। अभी ले रखी है खान ने, धंधे के भी और हमारी भी। अब हमें जीना है तो खान को मारना पड़ेगा। पुलिस छोड़ेगी नहीं हमें। तो बेटी पैदा करके दूसरे यार की बात क्या हूं? तरीका है कोई और? विकी का हाथ था इसमें। धंधे में आने से पहले नीलम पर रखता था मैं। नीलम की कोई भी रग कभी मेरी नजरों से छिप नहीं पाई। पैसे सारे थे उसके पास, तू होता तो शायद कभी लौट के ही ना आता। और सुन, गोली चेहरा देख के अपना रास्ता नहीं बदलती। विकी था वहां, मर वो भी सकता था, फिर भी नजर रख विकी पे। आपकी बेटी का सुनके मुझे बहुत अफसोस हुआ है खान साहब। ये सब खलीफा और रॉकी की वजह से हुआ है। मुझे वो दोनों चाहिए। देता हूं सर, और आप प्लीज मुझे मेरा माल वापस दे दीजिए। मेहनत और लगन होनी चाहिए, लाइन कोई भी बुरी नहीं। गलत कहा था मैंने विकी। खलीफा, हेलो लखवा सर, माल उठा लीजिए, खान से बात हो गई। जी खान से क्या बोला तू? कि आप सबको मार दे। यहां पे खड़े हर आदमी की जान बचाने का और कोई तरीका नहीं था मेरे पास खलीफा। हमारी मौत का सौदा करके हमारी जान बचाने गया था खलीफा। अगर मैं खान से कुछ भी और कहता तो क्या वो मुझसे मिलने को तैयार होता? जब खान मिलने को तैयार हो गया था तब क्यों नहीं बोला? वही मार देता मैं उसे। रॉकी मार दे इसे। शौक से खलीफा एक बार मारता है तो आदमी उठता नहीं। सारे आप समझते क्यों नहीं है कि खान को मारा तो पुलिस फोर्स हम सबको कुत्ता बना के मारेगी? अबे रोक! खान को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, कि खान खुद अपने आप को मारे। और खान ऐसा क्यों करेगा?
करेगा खलीफा? मैं कैसे मान लूं कि तू वहां में मरवाने नहीं गया था? खान आपको नहीं मारेगा खलीफा, किसी कीमत पे नहीं मारेगा, वही तो मेरा आइडिया था। अब अगर खान नहीं मारा ना तो तू मरेगा। विकी, अगर ये नहीं करता तो मैं मारा जाता सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर देना, जब चाहे ईमानदार हो गए, जब चाहे बेईमान, ऐसे थोड़े ही ना चलता साहब। हमारे भी बीवी बच्चे हैं। खलीफा भाई, ये लीजिए, गोली मारी और किस्सा खत्म कीजिए। खलीफा पिस्तौल नहीं रखता, रॉकी को रखता है। खान को बल से नहीं, सिर्फ छल से मारा जा सकता है। मेरी बेटी कहा करती थी। अल्लाह हाफिज खान साहब। चला गोली। डीसीपी नवाब खान, जिन पर करप्शन के चार्जेस पर इंक्वायरी चल रही थी, उन्होंने कल अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। और विदेश समाचार में दक्षिणी जी सर। खान का माल ठिकाने लगा दिया है विक्की, और तेरी आखिरी मीटिंग भी सेट कर दी। ठीक है सर। इस बार 6 जरूर ले आयो चौधरी, वरना जीती गेम फिर से हार जाएगा। जी। आपसे ज्यादा कूल आदमी नहीं देखा या सची? मैंने भी नहीं देखा। चलो ओके, चर्च गोइंग। बार गोइंग। गॉड ब्लेस यू। चार साल से अपन बर्थडे नहीं मनाए विकी, चल आज आखिरी बार टॉनी को विश तो करना मांगता है यार।
दुश्मन का दुश्मन दोस्त होवे। मेरा काम था मिलवाना, बाकी जे जाने या तू। धंधे का सारा पैसा अब उस माल में है जो हमारे पास है। मैं नहीं चाहता कि आप और मैं दुश्मन रहे। 25% हिस्सा आपका। 50। उसने पूछा ना चौधरी, बताया है। अच्छा तो गुज्जर को ये भी बता दे, खलीफा का क्या? खलीफा कल सुबह की आजान नहीं सुनेगा। हाँ गुज्जर, मारने आ रहा था वो आपको। ब्रेकिंग न्यूज खलीफा, विकी साला गुज्जर से मिल गया है। मैंने गुज्जर को गोली मार दी। मैं कैसे मान लूं? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। मुझे भी ये गोली लगी है, आप अपना ख्याल रखिए। कहाँ है तू? हाँ बस पहुंच ही रहा हूँ। अभी पहुंच ही रहा हूँ। क्या कहता था टोनी इसके बारे में? इस छर्रे को पिस्तौल में डाल, ट्रिगर दबा, कारतूस बन के निकलेगा और सबको फोड़ के रख देगा। तो यह है वो छर्रा। कारतूस, विकी कारतूस। या तो तुझे भी छोड़ दूं, या फिर तुझे भी मार दूं। बनना तो तुम दोनों ही खलीफा चाहते हो ना? क्यों ना सारा टंटा ही खत्म कर दूं आज। ये गुज्जर से मिल गया है। मुझे तो तभी शक हो गया था खान के वक्त। खान मैंने आपको दिया खलीफा, और फिर हमारा नंबर था। मैं कह रहा हूं आपको, यही गद्दार है। गद्दार आज मरेगा रॉकी। रॉकी तो विकी से जलता है। रॉकी तो विकी से जलता है। हाँ। और विकी तो मुझसे जलता है। नहीं, तू खलीफा नहीं बनना चाहता। तू तो यहां विक्की बनने आया ना? पर तू यहां क्या करने आया विक्की?
सच बोलेगा एक बार मारूंगा, झूठ बोला तो 41 बार मारूंगा। सुना था जब खलीफा एक बार मारता है तो कोई उठता नहीं है, ले उठ गया। तुझे जेल से निकलते ही ठोक देना चाहिए था। मुझे उसी दिन ठोक देना चाहिए था जिस दिन तूने टोनी को मारा। चार साल तूने मुझे जेल में रखा। साला रोज सोचता था कि तुझे कैसे मारूंगा। एक बार ही है, एक बार ही है, सब भर ही है आज। सही कहता था टोनी कि हुआ साला सच्चा होना चाहिए। तेरा हुआ तो झूठा निकला खलीफा, तू सच जाना चाहता है ना? लाली याद है तुझे? हाँ, अगर तू जमीन पर पैसे नहीं कमाता तो तू मुझ पे भरोसा नहीं करता। अगर मैं मना नहीं करता तो तू कैश आउट नहीं करता। अगर कैश आउट नहीं होता तो मैं अफगानिस्तान से वो माल नहीं ला पाता। अगर खान के साथ तुम लोगों की जान का सौदा नहीं कर पाता तो वो माल वापस नहीं देता। अगर गुज्जर के साथ नहीं मिलता तो आज मैं यहां नहीं खड़ा होता। चीज इसी सीक्वेंस में की, इसलिए मैं यहां तक पहुंचा। टोनी को नहीं मारना चाहिए था खलीफा, टोनी को नहीं मारना चाहिए था। नीलम तो खरा था पर साला मुझे ही सूट नहीं किया। तू 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 नहीं खलीफा, अपन आप है। आप चल अपन आपको सॉरी बोल, वरना गया तू बोल। नहीं बोलता। पहली गोली स्पेशल होनी चाहिए ना रॉकी, मानता है? मानता है। सब याद रखेंगे कि विकी कारतूस ने इकबाल खलीफा को उसके घर में घुस के उसी की पिस्तौल के साथ उसकी जान ली, मानता है? मानता है। अब तू बता, तू किस में मानता है? और बहुत सोच समझ के जवाब देना। साले अब भी खलीफा में तो तू जाम मिल उससे रोकी। और तू उस कुर्सी पे बैठ गया ना विकी, तब उनको लगेगा साला को नहीं बैठ गया उसके ऊपर यार। सीरियसली साला तू इतना ज्यादा
वो कब आता है, कब जाता है, ना कोई पूछता है, ना कोई जानता है। वो लेफ्ट हैंडेड है और हर बात पे एक नाम बोलता है, चौधरी। दुश्मन जब बार ढूंढ रहा हो तो उसके घर में घुस जाना चाहिए। तो फिर अपनी सांप सीढ़ी की कहानी अब खत्म भी कर दे। के विकी ने बिना गोली चलाए कालरा गुजर को खत्म कर दिया। जितनी गेम हार गया, दुश्मन तकड़ा निकला सारा। यो हाथ चाले ना। पापा मुझे कभी समझ नहीं पाए, पर आपसे सब बातें कर लेते। दोस्त से बड़ा दुश्मन कोई ना होवे, तो फिर पहली सीढ़ी चढ़ने का टेम आ गया चौधरी। धंधे का सारा पैसा अब उस माल में है जो हमारे पास है। इस बार 6 जरूर ले आयो चौधरी, वरना जीती गेम फिर से हार जाएगा। तो आप कालरा गुज्जर है, कब आएंगे वो? कब आता है, कब जाता है, ना कोई पूछता है, ना कोई जानता है। पर ये बात आप सबसे छुपाते क्यों हैं? ड्राइवर की शकल ना कोई याद रखे है। मारे हरियाणा में कहवे हैं कि टिकाने पर हमेशा ड्राइवर ही पहुंचाता है। मरते हुए को कभी रोकने का नहीं, दुश्मन गलती करे तो टोकने का नहीं। और यार के आइटम को कभी छूने का नहीं विकी। तुझसे प्यार इतना कि तेरा ख्वाब पूरा होने से पहले तुझे मार नहीं पाया, और नफरत इतनी कि तेरा ख्वाब पूरा होते ही तुझे छोड़ नहीं पाया। अब तो माफ कर दे यार। छे तो तू ले आया चौधरी, पर फिर से चित्ती गेम हार गया। इट इज पोएट। रे लिए जवानी की ओ रानी, तू कहाँ को लिए जाए रे, हाँ जाए रे। आए जो निकट तू सभी के ही टिकट कट जाए रे, हाँ जाए रे। What the body, what the face, कहते हैं total package, baby manu, manu, oh baby manu, manu. Stand up थोड़ा loose किया है, lucky है तू choose किया है, तनु, तनु, oh baby तनु, तनु. ये तेरी कोई hope, तेरा कोई scope, baby I'm so dope कि मुझको छूना joke नहीं है दे. एक बारी झूलेगी तू कभी नहीं भूलेगी तू, आज रात तू मेरी, तू मेरे टाइप का नहीं है रे। एक बारी झूलेगी तू कभी नहीं भूलेगी तू, आज रात तू मेरी, तू मेरे टाइप का नहीं है रे। रे लिए जवानी की ओ रानी, तू कहाँ को लिए जाए रे, हाँ जाए रे। आए जो निकट तू सभी के ही टिकट कट जाए रे, हाँ जाए रे। से ले लो चांद इशारों में लपेट के, ओ ओ ओ ओ ओ हाँ मुझको दे दो तारे ये सारे ही समेट के। बुझ 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 में कोई रोक, लोडेड है दिल ब्रोक, बेबी आई एम सो डोप के मुझसे बढ़ के तोप नहीं है रे। एक बारी झूलेगी तू कभी नहीं भूलेगी तू, आज रात तू मेरी, तू मेरे टाइप का नहीं है रे। एक बारी झूलेगी तू कभी नहीं भूलेगी तू, आज रात तू मेरी, तू मेरे टाइप का नहीं है रे। रे लिए जवानी की ओ रानी, तू कहाँ को लिए जाए रे, हाँ जाए रे। आए जो निकट तू सभी के ही टिकट कट जाए रे, हाँ मेरे टाइप का नहीं है रे। Time ka nahi hai re, nahi hai, nahi hai, nahi hai, nahi hai, mere time ka nahi hai re.
नहीं है।